अस्सलाम वालेकुम। HTML के प्रैक्टिकल में अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसको देखेंगे। HTML का ओपनिंग कोड लिखेंगे, लेस देन HTML ग्रेटर देन साइन। HTML का क्लोजिंग कोड लिखेंगे, लेस देन स्लैश HTML ग्रेटर देन। अब ये जो ओपनिंग कोड है, ओपनिंग कोड और इसके अलावा ये जो क्लोजिंग कोड है HTML का, इसके दरमियान बाकी सारी कोडिंग होगी, बाकी सारे कोड्स आएंगे। सो, सबसे पहले हमारा हेड आता है, हेड का ओपनिंग कोड लिखा है। हेड में हमारे पास सबसे पहले टाइटल आता है, हेड में जो टाइटल है टाइटल का ओपनिंग कोड लिखा। टाइटल हम लिखना चाहते हैं माय अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम जो है वो टाइटल रखना चाहते हैं वेब पेज का, माय अनऑर्डर्ड लिस्ट। टाइटल का क्लोजिंग कोड लिखेंगे स्लैश TITLE टाइटल। ये हमारे पास हो गया हेड कंप्लीट। तो हेड का क्लोजिंग टैग लगाएंगे स्लैश हेड। अब हमारे पास नीचे बॉडी आ जाती है, बॉडी का ओपनिंग कोड लिखेंगे BODY बॉडी, और बॉडी में फर्स्ट हेडिंग जो है H1 वो हम रखना चाहते हैं माय अनऑर्डर्ड लिस्ट LIST। माई अनऑर्डर लिस्ट जो है वो हम हेडिंग रखना चाहते हैं, हेडिंग का क्लोजिंग टैग लगाएंगे स्लैश H1। अब हमारे पास जो है वो UL लिखेंगे हम ओपनिंग कोड अनऑर्डर लिस्ट के लिए, UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। फिर उसके बाद लिस्ट का ओपनिंग कोड लगाएंगे LI स्टैंड फॉर लिस्ट, और लिस्ट में हम पहले लिखना चाहते हैं आइटम वन। फिर लिस्ट का जो है वो क्लोजिंग कोड लगाएंगे स्लैश LI। अब फिर ओपनिंग कोड लगाएंगे लिस्ट का LI, और फिर उसके बाद आइटम 2। आइटम 2 जो है वो हम लिखना चाहते हैं सेकेंड लाइन में, क्लोजिंग टैग लगाएंगे स्लैश LI। अब फिर अगेन LI का ओपनिंग टैग लिखेंगे लिस्ट का, और फिर आइटम 3। आइटम 3 जो है वो हम थर्ड लाइन में लिखना चाहते हैं, क्लोजिंग टैग लगाएंगे लिस्ट का स्लैश LI। अब हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो स्लैश UL लिखेंगे हम क्लोजिंग टैग UL का अनऑर्डर लिस्ट का, स्लैश बॉडी लिखेंगे हमारे पास बॉडी का क्लोजिंग कोड। फाइल को अब हम सेव करेंगे, फाइल सेव एज, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में ऑल फाइल्स करेंगे, और webpage.html लिखेंगे, फाइल को सेव करेंगे। अब आउटपुट रिज़ल्ट जो है वो हम जाके चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स में, वेब पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं ये टाइटल है वेब पेज का, ये फर्स्ट हेडिंग है, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि बुलेट में आ रही है, आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3।